वाहेगुरु दे घर देर है नेर नहीं है। जे तेरा प्यार सच्चा है कोई तेरा बाल बिंगा नहीं कर सकता। तू काम कर आ ले फड़ कुंजियां घर चल मैं रोटी पानी का प्रबंध करके आना है। चल जा शाबाश तेरी दा नहीं होता। ओए मिलर गांजा गिल रोड शान मशीन आजो वीरे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सुपरस्टार धर्मेंद्र के छोटे भाई वीरेंद्र सिंह देओल के बारे में। 80 के दशक में पंजाब फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले इस सुपरस्टार की शूटिंग के दौरान सेट पर ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोस्तों वीरेंद्र सिंह देओल के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीरेंद्र सिंह देओल का प्रारंभिक नाम सुभाष डडवाल था। उनका जन्म 15 अगस्त 1948 को पंजाब प्रांत के फगवाड़ा में हुआ था। वीरेंद्र सिंह धर्मेंद्र के चचेरे भाई थे। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा एक साथ ही हुई थी। चेहरे से हूबहू धर्मेंद्र की कार्बन कॉपी, लेकिन धर्मेंद्र से भी लंबे चौड़े कद काठी वाले वीरेंद्र सिंह को फिल्मों में जाने का बहुत शौक था। वीरेंद्र सिंह ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत सन 1975 में आई पंजाबी फिल्म तेरी मेरी एक जिंदड़ी से शुरू की थी। इस फिल्म में उनके भाई धर्मेंद्र भी नजर आए थे। पहली फिल्म सुपर हिट हो जाने के बाद वीरेंद्र सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 25 सुपर हिट फिल्में दी। भारत माता का सेवक जागर सिंह फौजी जावे फुट जा फौजिया ओए एक खालसा वो भी फौजी ओए खालसा ते कल्ला ही सवाल लाख हुंदा है। उन्होंने अपने 12 साल के फिल्मी कैरियर में केवल 25 फिल्मों में काम किया और उनकी सभी फिल्में सुपर हिट हुई। ऐसे महान अभिनेता थे वीरेंद्र सिंह देओल। फिल्म निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए अड़ जाया करते थे और घंटों घंटों उनके इंतजार में उनके घर बैठे रहते थे। दोस्तों कम ही वक्त में वीरेंद्र सिंह पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार बन गए और उनकी शोहरत ही उनकी जान की दुश्मन बन बैठी। सन 1988 की बात है, वीरेंद्र सिंह फिल्म चटते जमीन की शूटिंग कर रहे थे। अचानक सेट पर कुछ बंदूकधारियों ने उन्हें गोली मार दी। वीरेंद्र सिंह गोली लगते ही जमीन पर गिर गए और तड़पने लगे। कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। दोस्तों वीरेंद्र सिंह की हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ है ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन कहा जाता है कि वीरेंद्र सिंह की शोहरत से जलने वाले लोगों ने ही उनकी हत्या करवाई थी। और यहीं यह भी कहा जाता है कि उस वक्त काफ़ी आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही थी और वीरेंद्र सिंह को साफ हिदायत दी गई थी कि वो ऐसे माहौल में शूटिंग न करें। लेकिन वीरेंद्र सिंह नहीं माने और आतंकवादियों की गोली का शिकार बन गए। दोस्तों महान पंजाबी फिल्म अभिनेता वीरेंद्र सिंह देओल के बारे में आप पहले से जानते थे या नहीं हमें कमेंट जरूर करें। ऐसी जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।